नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में अप्रैल मई में 9,300 शादियां, ऑनलाइन आवेदनों से सामने आए आंकड़े। कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में 26 की मौत, जिला कांगड़ा में 9 तो हमीरपुर में 7 ने तोड़ा दम, 1,189 नए मामले। सफेद आफत ने तबाह किए सेब के बगीचे, प्रारंभिक आकलन में 5.84 करोड़ का नुकसान। अप्रैल में बर्फबारी से 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, 2000 में दिखा था मौसम का ऐसा कहर। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जीती कोरोना से जंग, रिपोर्ट आई नेगेटिव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। लाहौल में 3 फुट बर्फबारी, 7 गाड़ियां फंसी, 244 लोगों को किया रेस्क्यू, ग्लेशियर गिरने का खतरा। संजौली में बारिश का कहर, 5 मंजिला इमारत ढही, 7 लगती इमारतों पर बढ़ा खतरा। कल सरकारी दफ्तर और बाजार बंद, 2 दिन बाजारों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। केलोधार और बकरुंडा में कोरोना पॉजिटिव के 5 मामले, धारा 144 लागू। ऊना में बीजेपी महिला मोर्चा ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को बांटे मास्क, लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान। जीएसटी का सबसे बड़ा घोटाला, गगरेट में फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के टैक्स चोरी का भंडाफोड़, फर्जी बिलों से बना ली 108 करोड़ की फर्म। हेलीकॉप्टर खरीद के दस्तावेज सार्वजनिक करे सरकार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने घेरी भाजपा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कई बंदिशें भी लगाई गई हैं। ऐसे में शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रम में भी लोगों की संख्या घटा दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब शादी या अन्य किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल से 22 मई तक के लिए प्रदेश भर में तकरीबन 9,300 आवेदन ऑनलाइन आए हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा 5,225 शादियों के आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि अन्य आवेदनों पर काम जारी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जिला कांगड़ा में 2,662 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,488 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडी में 1,684, हमीरपुर में 1,189, सोलन में 954, बिलासपुर में 813, शिमला में 634, चंबा में 443, ऊना में 438, सिरमौर में 291, कुल्लू में 186, किन्नौर में 5 और लाहौल स्पीति में 1 ऑनलाइन आवेदन प्रशासन को प्राप्त हुआ है। इनमें से कुछ को प्रशासन ने मंजूरी दे दी है और बाकी पर काम जारी है। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना से मौतों के मामले में रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे के भीतर 26 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें कांगड़ा जिला में दर्ज की गई हैं। कांगड़ा में 9, 7 हमीरपुर, 6 शिमला, 2 सिरमौर और कुल्लू तथा मंडी में 1-1 की कोरोना से जान गई है। राज्य में कोरोना के 1,189 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा में सबसे ज्यादा 330, सोलन में 216, मंडी में 135, ऊना में 112, सिरमौर में भी 112 केस सामने आए हैं। हिमाचल में हुई बर्फबारी किसानों व बागवानों के लिए आफत लेकर आई है। आमतौर पर हिमाचल में बर्फबारी किसानों व बागवानों के चेहरे खिला देती है, लेकिन इस बार की बर्फबारी ने किसानों बागवानों को रुलाने पर मजबूर कर दिया है। अप्रैल महीने में हुई इस बर्फबारी ने जहां बागवानों के बगीचे तबाह कर दिए हैं, तो सब्जी उत्पादकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर जेपी शर्मा ने बताया कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से फल फसलों को अभी तक 5,84,00,000 रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। यह आकलन अभी अंतिम नहीं है, आने वाले दिनों में इस नुकसान की राशि में इजाफा हो सकता है। बागवानी विभाग की तरफ से नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को फील्ड पर भेजा गया है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से बागवानों के सेब के बगीचे तबाह हो गए हैं। इससे पहले जहां ओलावृष्टि के कारण बागवानों की फसल तबाह हो गई थी, तो वहीं अब रही सही कसर बर्फबारी ने पूरी कर दी है। बर्फबारी व ओलावृष्टि के कारण जहां बागवानों की एक साल की मेहनत पर पानी फिर गया है, तो वहीं आने वाले समय के लिए भी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। ओलावृष्टि व बर्फबारी से न सिर्फ सेब की फसल को नुकसान हुआ है, बल्कि पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुँचा है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल माह में 20 साल बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि अप्रैल माह में पहले भी इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है, लेकिन इतनी बर्फबारी 20 सालों के बाद दर्ज की गई है। कल्पा में 15 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। यहाँ पर सन 2000 में इतनी बर्फबारी देखी गई थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में अपने फेसबुक पेज पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मां भीमा काली के आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं से वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उनके स्वास्थ्य में सुधार है। डॉक्टरों की सलाह के बाद वे जल्द ही शिमला लौटेंगे। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना की दूसरी डोज भी लगवा ली। शिमला के दीनदयाल अस्पताल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना की दूसरी डोज ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी लोग एहतियात बरतें और नियमों का पालन करें। जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला के लाहौल में 134 में से 131 व स्पीति में 43 में से 43 सड़कें भारी बर्फबारी के कारण बंद हो चुकी हैं। जगह जगह गाड़ियों के फंसे होने की खबर आ रही है। गोंधला में लगभग 7 गाड़ियां फंसी हैं। इनमें 2 पिकअप इनोवा 2 मोटरसाइकिल के अलावा कुछ और गाड़ियां भी फंसी हैं। जानकारी के अनुसार केलांग में अब तक 1.5 फुट, गोंधला सिस्सू व कोकसर में 3 फुट के आसपास बर्फ पड़ी है। प्रशासन ने हिमखंडों के गिरने की आशंका के चलते लोगों से अपील की है कि सभी अपने घरों में ही रहें। उधर बारालाचा में फंसे 244 लोगों को बीआरओ व जिला प्रशासन लाहौल द्वारा रेस्क्यू किया गया है। राजधानी शिमला में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते नॉर्थ होक संजोली में शुक्रवार को एक 5 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। गनीमत ये रही कि इसके गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे इस मकान के ढह जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हैरानी की बात तो ये है कि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में बरसात से पहले ही शिमला में इमारतों का गिरना काफी हैरान करने वाला है। हालांकि इस मकान में पहले से काफी दरारें थी और इन्हीं दरारों के चलते प्रशासन ने वीरवार रात ही इस मकान को खाली करवा दिया था। शनिवार को हिमाचल के बाजार बंद रहेंगे। ये बंद 2 दिन शनिवार और रविवार को रहेगा। केवल दूध, ब्रेड, सब्जी आदि की जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। साथ ही सरकारी दफ्तरों को भी शनिवार को बंद रखा जाएगा और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। केवल मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी कोई सरकारी दफ्तर शनिवार को नहीं खुलेगा। करसोग में कोरोना की दूसरी लहर में 5 लोग चपेट में आ गए हैं। यहां केलोधार और बकरुंडा में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के 5 मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए दोनों ही क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां अगले आदेशों तक धारा 144 भी लागू की गई है। SDM सुरेंद्र ठाकुर ने बताया करसोग के केलोधार और बकरुंडा में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले सामने आए हैं। ऐसे में दोनों ही क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अगले आदेशों तक लागू रहेगी। जिला ऊना बीजेपी महिला मोर्चा की प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को अग्निशमन केंद्र ऊना के कर्मचारियों को मास्क बांटकर सम्मानित किया। अग्निशमन केंद्र ऊना के प्रभारी नितिन धीमान ने मोर्चा को विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। जिला परिषद चेयरमैन नीलम कुमारी ने कहा, फायर ब्रिगेड महकमा आपात आपदा की स्थिति में हर समय आमजन की मदद करता है। इनकी सेवाएं बेहतरीन रही हैं। नगर परिषद ऊना की चेयरमैन पुष्पा देवी ने कहा कि 101 नंबर पर कॉल करते ही महकमा आग व अन्य आपदा के समय मौके पर हाजिर हो जाता है। जिला बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी मीनाक्षी राणा ने कहा, जिला में फायर ब्रिगेड कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कार्य कर रहे हैं। जिला में आग रेस्क्यू ऑपरेशन, कोरोना समय में सैनिटाइजर का कार्य व तमाम आपदाओं पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने अपना बखूबी काम किया है। इनके सराहनीय काम पर हम सबको गर्व करना चाहिए। इस दौरान फायर स्टाफ भी उपस्थित रहा। प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा GST पोर्टल के माध्यम से गगरेट स्थित आशा देवी के समीप एक फर्म द्वारा करोड़ों रुपयों के टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अगस्त 2020 में आबकारी विभाग ने इस फर्म का औचक निरीक्षण किया और दस्तावेज खंगाले, जिसमें पाया गया कि कंपनी ने 5 से 6 फर्मों से अधिक खरीद फरोख्त की है। विभाग ने जब इन फर्मों की जाँच की तो पाया कि इनमें से 3 फर्म जाली है और अधिकतर लेन देन इन्हीं फर्मों से किया जा रहा है, लेकिन इनका मालिक एक ही था। ये फर्म मात्र कागजों तक ही सीमित थी।
जमीनी स्तर पर कहीं ये फर्म थी ही नहीं। कंपनी ने अपनी सेल परचेज को बढ़ाने के लिए फर्जी बिलिंग और कंपनी के ट्रांजैक्शन को 108 करोड़ 14 लाख 36 हजार 786 रुपए बता दिया। आबकारी विभाग ने अपनी जांच में जब कंपनी को दोषी पाया तो शो कॉज नोटिस जारी किया और टैक्स की भरपाई करने के लिए कहा। विभाग कंपनी को बार बार आदेश देता रहा लेकिन कंपनी ने विभाग को टैक्स नहीं दिया। अब विभाग ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेते हुए कहा है कि 13 करोड़ 2 लाख 81 हजार रुपए जो टैक्स के रूप में विभाग ने वसूलना था, अब वो ब्याज व पेनल्टी मिलाकर 30 करोड़ 40 लाख 72 हजार 355 रुपए हो गया है। विभाग इस मामले में अब फर्म मालिक के खिलाफ FIR करवाएगा क्योंकि टैक्स 5 करोड़ से ऊपर है, इसलिए इस मामले में अब गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा। फर्जी बाड़े पर FIR होगी। संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी कराधान मध्य पर्वतन क्षेत्र ऊना राकेश भारतीय ने बताया, विभाग ने UR फर्म के मालिक के खिलाफ टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े को लेकर करोड़ों में जुर्माना लगाया है। CM के हेलीकॉप्टर खरीद पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर निजी कंपनी के साथ घालमेल बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनी को हटाकर निजी कंपनी से हुए सौदे में गड़बड़ झाला है, लिहाजा मुख्यमंत्री खरीद के दस्तावेजों को सार्वजनिक करें। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि कोविड काल में जहां सरकार कर्मचारियों के वेतन व पेंशन से फंड जुटा रही है तो ऐसे दौर में हेलीकॉप्टर खरीदना सही नहीं कहा जा सकता। अग्निहोत्री ने वीरभद्र सिंह के हेलीकॉप्टर प्रयोग पर की गई टिप्पणी की कड़े लहजे में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री की भाषा ठीक नहीं है। पूर्व CM के बारे में इस तरह की टिप्पणी कतई सहन नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड काल में लोगों को कोई राहत नहीं दी जा रही है जबकि प्रदेश सरकार अपनी ऐशो आराम के प्रबंध में जुटी है। नहीं देखिए, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने प्रदेश सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर खरीद को जो जायज़ ठहराने की बात कही है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर की खरीद जो है, जो हेलीकॉप्टर लीज पे लिया जा रहा है, ये सालाना 35 करोड़ रुपए के आसपास का सौदा है। मतलब कि उड़ने के लिए सरकार को एक साल के दौरान 35 करोड़ के आसपास खर्च करने पड़ेंगे और ये खरीद ऐसे टाइम में हुई है जबकि देश में संक्रमण विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण पूरे उफान पे है। हिमाचल प्रदेश में आज जो है लगभग 1350 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं और जो है लोग परेशान हैं। सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन काट रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक का वेतन काटा जा रहा है। आज तो उससे भी आगे बढ़ के पेंशनर्स का भी वेतन, पेंशनर्स की भी पेंशन जो है 1 दिन की और फैमिली पेंशन भी 1 दिन की काट ली गई है। जब ऐसा माहौल है तो सिर्फ हिमाचल के लोगों ने इस पे ऐतराज़ नहीं किया है, पूरे देश में इस पे चर्चा है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है, ऐसा कौन सी सरकार है जो ऐसे समय में हेलीकॉप्टर खरीद रही है। और निश्चित तौर पे सरकार को संयम से काम लेना चाहिए था। और सेकेंडली, हेलीकॉप्टर को लेके कुछ मुद्दे जो भारद्वाज साहब ने जनता के दरबार में रखे, इस पे मैं भी कहना चाहता हूँ कि पहले तो सरकार ये बताए, आपने 2019 में एक कंपनी के साथ करार किया हेलीकॉप्टर का, 2021 अप्रैल में वो हेलीकॉप्टर आ रहा है और जून में वो उड़ान भरेगा, तो सरकार ये बताए कि वो कंपनी आपको 1.5 से 2.5 साल तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मुहैया करवा पाई। 1.5 साल कोई कंपनी आपको हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं करवा पा रही है, आप उसके साथ करार कर रहे हैं। इसका मतलब जब आपने करार किया उस कंपनी के पास हेलीकॉप्टर नहीं था, उस कंपनी ने आपके साथ करार करने के बाद जो है हेलीकॉप्टर खरीद शुरू की। और ये कोविड की बात नहीं है कि कोविड की वजह से डिले हुई, ये कंपनी के पास हेलीकॉप्टर था ही नहीं और आपने उस कंपनी को ऑब्लाइज किया है कि आप जो है हम आपसे करार करते हैं, आप जो है हेलीकॉप्टर खरीदो और उसको हमें मुहैया करवाओ। अन्यथा टेंडर की शर्तों के तहत तो ये होना चाहिए था कि जिस कंपनी के साथ करार किया वो जो है उसके पास उस समय उन शर्तों के तहत हेलीकॉप्टर होना चाहिए था
और दूसरा, आपने कहा कि उन्हीं शर्तों पे हेलीकॉप्टर लिया गया है जो पुरानी शर्तें थी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसलिए जो है आप जो है ये कहें कि विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने वो कर दिया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, ये जनता का रिएक्शन है, जनता ने रिएक्ट किया है इस मसले पे, इसलिए जनता लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, आप जनता की आवाज़ को सुने कि जनता क्या कह रही है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।